गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकंड टर्म सेशन. इन अवर सेकंड टर्म सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट लेसन, द पास्ट इन द प्रेजेंट. इन दिस लेसन सम डिसिप्लिन्स आर गिवन रिगार्डेड टू द बिहेवियर ऑफ बॉयज और गर्ल्स अबाउट देयर bright future. So some characters are given here. The character name is Neil, a young teenager. This story is regarded to the behavior of the teenagers. Neil, a young teenager, a boy from 1950s, Neil's grandpa. In this story here, the second character is Neil's grandpa, who is from 1950s. Then mom, Neil's mother, a lady from 1950s, the boy's grandpa's mother. Then 1910, boy, Neil's great-great-grandfather, a lady from 1910, the boy's mother. And 1800, boy, double great-great-grandpa, a lady from 1800, the boy's mother. A 1500 boy, double great great grandpa, a lady from 1500, the boy's mother. A 1000 boy, triple great 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 grandpa, a lady from 1000, the boy's mother. A 100 CE boy, triple great triple great great grandpa, a lady from the first century, the boy's mother. An ancestor from 3000 BC, Neil's ancestor 5000 years ago, a lady from 3000 BC, the ancestor's mother. Means here some pairs are given. The pairs are regarding to 1950s, means the son regarding to 1950s and his mother. The son from 1910 and his mother. The boy from 1800, his mother. Some pairs are given here. And now we are going to learn what the mothers are teaching to their son through this lesson. Here first scene is given, a typical teenage boy's room in a messed up state. Means here a room of a teenage boy is given, and in his room there was a lot of mess. Means he did not put all his things in a proper place. Neil, mom, I put the dishes in the dishwasher just as you asked me to. Now I am going out to meet my friends. Enter mom in a mod outfit. Students, यहाँ पर हमें दिया है कि जैसे नील जो स्टूडेंट है, एक टीनेजर है, उसकी रूम हमें बताई है कि पूरी तरीके से मेस्ड अप, मीन्स पूरी तरीके से उसका सामान उसने इधर उधर रखा हुआ है. वो अपनी मॉम को बताता है कि मैंने डिशेस को डिश वॉशर में रख दिया है, जैसे आपने कहा था वैसे आपका काम मैंने किया है, और अभी मैं अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए जा रहा हूँ. और तभी उसकी मॉम उसके रूम में जो मॉड आउटफिट है, मीन्स मॉडर्न मदर और मॉडर्न टीनेजर सन नील, इस पार्ट में हमें बताए है मॉडर्न आउटफिट में उसकी मदर उसके रूम में एंट्री करती है. मॉम, यू हैवंट क्लीनड अप योर रूम. मॉम कहती है कि तुमने अभी तक अपने रूम को क्लीन नहीं किया है. नील, आई क्लीनड इट ओनली 2 days ago. तब नील का आंसर देता है कि मॉम, मैंने अपने रूम को 2 दिन पहले ही क्लीन किया था. मॉम, यू हैव टू क्लीन इट अप एवरी डे. उसकी मॉम उसे बोलती है कि नील, तुम्हें अपने रूम को रोज़ क्लीन करना चाहिए. नील, पिकिंग अप हिज बुक्स, क्लॉथ्स, हेडफोन्स एक्सेट्रा फ्रॉम द फ्लोर एंड
पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस। जब मॉम उसे कहती है कि तुम्हें रोज़ अपने रूम को क्लीन करना चाहिए, तब नील अपने बुक्स को, अपने कपड़ों को और हेडफोन्स, जो चीज़ें उसने इधर उधर रखी थी, उन्हें फ्लोर से उठाता है और अपनी प्रॉपर प्लेस पे रख देता है। इज इट नेसेसरी टू क्लीन अप एवरी डे, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। उसके बाद सामान तो अपना जगह पे रखता है, लेकिन उसके बाद में अपनी मदर से वो एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या रूम को रोज़ाना क्लीन अप करना ज़रूरी होता है। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, अगर हम रोज़ रूम को क्लीन करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मॉम, इट डज, इट बिल्ड्स अप द राइट हैबिट्स, द राइट एटीट्यूड। मदर उसे कहती है, हाँ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर तुम रोज़ अपने रूम को क्लीन करोगे तो ये आपकी एक सही आदत, एक अच्छी आदत, एक अच्छी हैबिट आपको लग जाती है और एक राइट एटीट्यूड है, ये एक सही तरीका है। नील कट्स हर शॉर्ट, उसकी मदर आगे भी उसके कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नील ने बीच में ही अपने मदर का बात को उसने काट दिया। ऑल राइट ऑल राइट, आई गॉट इनफ ऑफ लेक्चर्स व्हेन स्कूल इज ऑन। वो क्या कहता है, ठीक है मम्मी, जब मेरी स्कूल शुरू रहती है तब मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर्स सुनता हूँ। मॉम, आफ्टर नील फिनिशेस हिज कोरस, नील जब अपने रूम का काम साफ सफाई का पूरा करता है तो उसकी मदर उसे बताती है, दैट लुक्स मच बेटर नाउ, देखो अब तुम्हारी रूम कितनी अच्छी लग रही है, बट यू फॉरगॉट टू मेक यूअर बेड, डू दैट एंड यू मे गो आउट। लेकिन एक काम उसका बाकी रह गया था, मदर उसे कहती है कि अभी तुम्हारा एक काम बाकी है, तुम्हें अपना बेड ठीक करना चाहिए, अब तुम अपना बेड ठीक करो और उसके बाद में बाहर जा सकते हो। नील इरिटेटेड, मॉम इट्स गेटिंग लेट, वो नील इरिटेट होता है, परेशान होता है, वो कहता है, मॉम मुझे ऑलरेडी बाहर जाने के लिए लेट हो गया है, द बेड इज़ गोइंग टू बी मेस्ड अप अगेन, ये जो बेड आप मुझे बोल रहे हैं ठीक करने के लिए तो वो फिर से ख़राब होगा। When I sleep after lunch, कब ख़राब होगा, जब मैं लंच करने के बाद में फिर से बेड पर सो जाऊँगा तब फिर से वो सब कुछ बेड ख़राब होगा। Why do I have to make my bed? Why? और इसीलिए वो बेड तो ख़राब होने ही वाला है, तो इसीलिए क्या अभी उसे फिर से ठीक करना क्यों ज़रूरी है। Mom, हम दैट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग आई हर्ड अबाउट यूअर ग्रैंडपा। तब मॉम उसे बताती हैं कि अभी तुमने मुझे जो क्वेश्चन पूछा है कि बेड फिर से ख़राब ही होगा तो मुझे उसे ठीक करने की क्या ज़रूरत है, तो ये तुम्हारी बात मुझे यहाँ पर कुछ याद दिलाती है जो तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में मुझे पता है। व्हेन ही वॉज इन हीज टीन्स ही मेड मैनी मोर डेली कोरस टू फाइंड To finish and much tougher ones too। फिर मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा जब तुम्हारे एज के थे तो उस पीरियड में उनको भी बहुत सारे काम करने पड़ते थे, रोज़ाना के जो डेली कोरस होता है वो बहुत ज़्यादा उनको करने पड़ते थे और तुमसे भी बहुत ज़्यादा कठिन ऐसे काम वो करते थे। मॉम, ऑन दैट डे हिज मॉम हैड टोल्ड हिम फॉर्मली, और उस दिन उसकी मदर उसे उसके ग्रैंडपा की स्टोरी, मीन्स उसके ग्रैंडपा जब उसके एज के थे, टीन एज के थे, नील के एज के थे, तब उसके ग्रैंडपा कौन कौन से काम करते थे इसके बारे में एक स्टोरी बताती है। अ टीन एज बॉय फ्रॉम 1950s वियरिंग लूज ट्राउजर्स एंड शर्ट एंटर्स विथ हिज मदर इन अ सिल्क साड़ी। फिर सेकंड पार्ट यहाँ पर होता है, अभी जो यहाँ पर नील की मॉम ने, मॉडर्न मॉम जो है नील की, उन्होंने जो नील को बताया कि उसके ग्रैंडपा को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, तो उसके बारे में एक स्टोरी उसके ग्रैंडपा की यहाँ पर उसकी मदर बता रही है। इसीलिए यहाँ पर स्टेज पर एक टीन एज बॉय आता है जो 1950 से बिलोंग करता है और उस समय के क्लॉथिंग उन्होंने पहने हुए है, एक लूज ट्राउज़र और शर्ट उसने पहना हुआ है और उसकी मदर जो है सिल्क की साड़ी पहने हुए वहाँ पर स्टेज पर आती है। इस लेसन का जो आगे का हिस्सा है हम नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे।